देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 37,336 पहुंच गई है, जिसमें से अब तक 1,218 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,950 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। भारत में अभी कोरोना के 26,167 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,293 नए केस सामने आए और 71 मौतें की पुष्टि हुई है। प्रवासी मजदूरों के लिए शनिवार को 5 और विशेष ट्रेनें चलेंगी, जिसमें 2 कोच्चि और 1 तिरुवनंतपुरम से चलाई जाएंगी। तिरुवनंतपुरम से ट्रेन झारखंड के हटिया तक जाएगी, जो आज दोपहर 2 बजे रवाना होगी। सीआरपीएफ के जवानों में भी कोरोना वायरस फैल गया है। सीआरपीएफ में कोरोना संक्रमित जवानों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है। वहीं अभी 150 सीआरपीएफ के जवानों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार है। अमेरिका में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, जहां 11,32,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं, वहीं 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना की चपेट में आकर 1,883 लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों की घर वापसी शुरू हो गई है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कई शहरों में मजदूर वापस लौट रहे हैं। महाराष्ट्र में 347 मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन आज भोपाल पहुंची है। देश का महाराष्ट्र राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर 1,008 नए केस सामने आए। ये पहला मौका है जब देश के किसी राज्य में एक दिन के अंदर इतने ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11,506 हो चुकी है, जबकि कोरोना की वजह से अब तक 485 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बुरा हाल मुंबई का है, जहां 7,812 लोग अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 295 लोगों की जान जा चुकी है। दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा कार्यस्थल को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। कोरोना से लड़ने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है। इस वैश्विक महामारी के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर लड़ना होगा। हम दुनिया के कई देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन अभी हमें और सतर्क रहने की जरूरत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाएगी जिससे कोरोना फैले, और कोरोना के खिलाफ पूरा देश एक साथ लड़ रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश भी दिया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ फेसबुक पेज पर पोस्ट लिखने के बाद मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ राजद्रोह और नफरत फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। इस पोस्ट में जफरुल इस्लाम खान ने लिखा था कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसकी शिकायत अरब देशों से कर दी तो हिंदुस्तान में जलजला आ जाएगा।